अब ये डर्खाइम ने बताया कि मैक्रो पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को स्टडी करना है, तो इन्होंने थ्री प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न बताए कि हमें सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी और जनरल सोशियोलॉजी की स्टडी करनी चाहिए। अब सोशल मॉर्फोलॉजी में जैसे पॉपुलेशन का क्या हुआ इफ़ेक्ट सोसाइटी पे, या किसी सोसाइटी के पॉपुलेशन का, किसी सोसाइटी के डेंसिटी क्या है, उसके मेंबर्स पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, तो इसको मॉर्फोलॉजी में, सोशल मॉर्फोलॉजी में स्टडी करेंगे। और सोशल फिजियोलॉजी में जैसे पर्टिकुलर टाइप का साइंस, जैसे रिलीजन को स्टडी कर दिया, लॉ को स्टडी कर दिया, मोरल्स उस सोसाइटी के कैसे हैं, तो उसकी वजह से सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उसको स्टडी किया इसमें। और जनरल सोशियोलॉजी मतलब इन सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक जनरल सोशियोलॉजी बनाएंगे, उस सोसाइटी की लॉज या फिर नॉर्म्स वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हम एक जनरल स्टडी करेंगे उस सोसाइटी के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में, तो उसे जनरल सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो डर्खाइम ने थ्री प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न दिया। अब हॉब हाउस क्या बोलते हैं इसको, हॉब हाउस भी कह सकते हैं, अब तो स्पेलिंग करने के लिए ऐसे बोला मैंने। तो इन्होंने क्या बोला कि हम जो है म्यूचुअल एक्सचेंज और म्यूचुअल स्टिमुलेशन से अदर सोशल साइंस, जैसे आप इन्होंने अदर सोशल साइंस से कैसे रिलेट किया इसको, मतलब कि जैसे कोई भी सोशल साइंस है, अब मान लीजिए इकोनॉमी ही है, तो इकोनॉमी में कुछ ऐसे म्यूचुअल एक्सचेंज होते होंगे सोशियोलॉजी से, कैसे इकोनॉमी के कोई प्रोडक्ट बने, अब इकोनॉमी के कोई प्रोडक्ट बने, अब वो इकोनॉमी मान लीजिए अभी यही कोरोना का टाइम चल रहा था, तो साबुन बन रहा था, तो डिटॉल, तो ऐसे इकोनॉमी हम लोग को एडवर्टाइज़ करके बता रही थी कि हाँ धुलेंगे तो अच्छा होगा, कीटाणु सारे मर जाएंगे, कोरोना नहीं होगा, तो सोसाइटी ने उस पर रिस्पॉन्स किया, उस तरह के प्रोडक्ट्स खरीदने लगी, मास्क लगाने लगी, मास्क का एडवर्टाइज आने लगा, तो एक दूसरे को स्टिमुलेट भी कर रहे हैं और एक्सचेंज भी कर रहे हैं कि ये सोसाइटी मतलब सोशियोलॉजी किसका, सोसाइटी किससे इन्फ्लुएंस हो रही है, इकॉनमी से इन्फ्लुएंस हो रही है। तो इसी तरह से जैसे अब अदर सोशल साइंस में एक और सोशल साइंस ले सकते हैं, जैसे लॉ, अगर सरकार ने कोई ऐसा लॉ बना दिया जिसको लागू करना है, तो और लागू करना, जैसे मान लीजिए अभी एक पोल्यूशन पॉपुलेशन पे लॉ बनाया सरकार ने, तो उसमें ऐसे कहा गया, ऐसे सिंपल मान लीजिए उसमें कहा गया कि जो दो बच्चे पैदा करेगा उसे ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, ऐसा कुछ, तो क्या होगा, समाज में धीरे धीरे वैसे मेंटेलिटी बदलती जाएगी और लॉ के पॉलिटिक, तो क्या हुआ कि जो ये पॉलिटिकल साइंस था मतलब पॉलिटी था, इसने किसको बदला, हमारी सोसाइटी के मेंटेलिटी को बदला, सोसाइटी के इंडिविजुअल्स की सोच को बदला, तो आपस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है और एक दूसरे को स्टिमुलेट भी कर रहे हैं। अब हॉब हाउस कहते हैं कि सोशियोलॉजी, अब मैन, अब अगर आप किसी इंडिविजुअल को सोशियोलॉजी उसकी स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके आसपास के जितने भी सोशल लाइफ से उसके जुड़े हुए हैं वो तार, उन सभी तारों को स्टडी करेंगे। अब जैसे इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल क्या, जैसे मान लीजिए फैमिली में कोई इंडिविजुअल है, तो उस इंडिविजुअल की वजह से फैमिली पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, या फैमिली का उस इंडिविजुअल पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, तो हम उसकी सोशल लाइफ पे या फिर टीवी से, हाँ मास मीडिया से भी क्या इफ़ेक्ट हो रहा है इस मैन पे, इसको भी स्टडी कर सकते हैं। तो हाँ भाई, उसने ऐसे बोला। अब यहाँ पे मॉरिस गिन्सबर्ग आते हैं। मॉरिस गिन्सबर्ग ने एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिया कि हम सोशियोलॉजी में एक सोशियोलॉजी को कुछ इस तरह से स्टडी कर सकते हैं, सोशल मॉर्फोलॉजी के नाम पे स्टडी कर सकते हैं, सोशल कंट्रोल को स्टडी कर सकते हैं, सोशल प्रोसेस, सोशल पैथोलॉजी। अब यहाँ पे मैंने छोटे छोटे टर्म्स में लिख दिया है कि व्हाट द सोशल मॉर्फोलॉजी, जैसे कोई भी पॉपुलेशन हुआ, पॉपुलेशन अगर इफ़ेक्ट डाल रही है उस सोसाइटी पे, किसी सोसाइटी पे उसकी पॉपुलेशन इफ़ेक्ट डाल रही है, जैसे अगर किसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, तो उस पे क्या, उस कम्युनिटी के मेंबर्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है,
ना पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने का, या कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, स्ट्रक्चर है, कोई इंस्टीट्यूशन पे, मतलब इन सब के फॉर्म्स में क्या बदलाव आ रहे हैं पॉपुलेशन से लेकर के या डेंसिटी से, तो इसको हम किस में स्टडी करेंगे, सोशल मॉर्फोलॉजी। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े यूनिट्स पढ़े जा रहे हैं, मैक्रो यूनिट्स पढ़े जा रहे हैं, जैसे सोशल कंट्रोल पढ़ेंगे हम, किस तरह का कंट्रोल होता है, सोशल कंट्रोल समाज कैसे आपस में एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, जैसे फॉर्मली भी इनफॉर्मली भी, जैसे फॉर्मली तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन वगैरह में होता है जैसे कॉलेज इंस्टीट्यूशन स्कूल में, और इनफॉर्मली जैसे घर में होता है, और आप कह सकते हैं आस पड़ोस का दबाव भी होता है। तो और अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है सोशल प्रोसेस, समाज में कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे प्रोसेस तो वही समझ लीजिए जैसे कोऑपरेट करता है, अगर कोई एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी को कोऑपरेट करती है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, वेरियस कम्युनिटी में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कंपटीशन बढ़ा रहता है, तो इन सब ये सारी चीज़ें क्या है, समाज में एग्जिस्ट करती हैं, मतलब सामाजिक चीज़ें हैं, तो इन सबको हम इस किस में स्टडी करेंगे, सोशियोलॉजी में स्टडी करेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं आपके कैसे कैसे ये जो सिंथेटिक स्कूल है, इसने इसके एरिया को बढ़ा दिया, इसने सीमित नहीं रखा कि हमें सिर्फ रिलेशनशिप स्टडी करनी है, नहीं, इसने सीमित नहीं रखा, इसने इंस्टीट्यूशंस को भी इन्वॉल्व किया, समाज के प्रोसेस को, समाज में कैसे कंट्रोल होता, कैसे एक दूसरे को एक्सचेंज करते, स्टिमुलेट करते, तो इन सब चीज़ की स्टडी। अब समाज में कुछ बुराइयाँ भी होती हैं या फिर कुछ कमियाँ होती हैं, उसको हम पैथोलॉजी कहते हैं, तो जैसे पावर्टी हुआ या कुछ थेफ्ट नाम की चीज़ हुई, क्राइम हुआ, मतलब कुछ ऐसे सामाजिक जैसे पैथोलॉजी, कुछ ऐसी बुराई कह सकते हैं, उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं, मॉरिस गिन्सबर्ग ने बताया। अब ये पितृम सोरोकिन ने बताया कि हमें कैसे स्टडी करनी है, जैसे कुछ जनरल सोशियोलॉजी होती है, जैसे फैमिली के, रिलीजन की, किनशिप की, कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड में हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, उसको स्टडी करना चाहिए, पितृम सोरोकिन ने बताया। और जैसे फैमिली तो हर जगह एग्जिस्ट करती है और रिलीजन भी हर जगह देखने को मिलता है, अभी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, स्पेसिफिक सोशल होती है, उसे भी हम सोशियोलॉजी में स्टडी कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि जैसे कास्ट सिस्टम इंडिया में बहुत है, नॉर्दर्न इंडिया में तो बहुत है, रेस हुआ अमेरिका में, और जैसे इथनिक ग्रुप्स हुए श्रीलंका में, ये हम म्यांमार में भी, रोहिंग्यास वगैरह, तो हम इन सब चीज़ों को समाज, मतलब सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं, मतलब मैक्रो यूनिट्स को सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो ये हमारे थे प्रोपोनेंट्स का, कौन से ये मैक्रो यूनिट्स वाले, मतलब कि सिंथेटिक स्कूल वाले, इन्होंने बताया कि हमें समाज में कैसी कैसी चीज़ें स्टडी करना चाहिए। ठीक है, अभी ये लेक्चर कुछ पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ अगर कहीं डाउट हो आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करके आपको बताऊँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।